also, there is a very old debate, development or environment. And both sides present views as if each is mutually exclusive. लेकिन हमें सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा. I feel it is possible to strike a healthy balance between development and environment. और हमारा तो देश ऐसा है कि जहां हमें हजारों साल से सह अस्तित्व की शिक्षा दी गई है. हमारे पूर्वजों ने जो भगवान की कल्पना की और सह अस्तित्व का उदाहरण उसमें महसूस होता है. ये सावन मास है, सोमवार है, शिव जी के गले में सांप है और उसी परिवार के गणेश जी का आसन चूहा है. सांप चूहे के खाने की आदत रखता है लेकिन शिवजी अपना परिवार में सह अस्तित्व का संदेश देते हैं. ये अपने आप में हमारे यहां किसी परमात्मा की कल्पना, पशु पंखी पौधे के बिना नहीं की गई है, उसके साथ जोड़ा गया है. इन अवर पॉलिसीज, इन अवर इकोनॉमिक्स, वी हैव टू चेंज द कन्वर्सेशन अबाउट कंजर्वेशन. वी हैव टू बी बोथ स्मार्ट एंड सेंसिटिव एंड क्रिएट ए हेल्थी बैलेंस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिया विल प्रॉस्पर बोथ इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली. इंडिया विल बिल्ड मोर रोड्स एंड इंडिया विल हैव क्लीनर रिवर्स. इंडिया विल हैव बेटर ट्रेन कनेक्टिविटी एंड ऑल्सो ग्रेटर ट्री कवरेज. इंडिया विल बिल्ड मोर होम्स फॉर अवर सिटीजन्स एंड एट द सेम टाइम क्रिएट क्वालिटी हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स. इंडिया विल हैव अ वाइब्रेंट मरीन इकोनॉमी एंड ए हेल्थियर मरीन इकोलॉजी. दिस बैलेंस इज वॉट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू ए स्ट्रांग एंड इंक्लूसिव इंडिया.